हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन पढ़ने वाले हैं। लास्ट तो लेक्चर में हमने हिमालयाज़ और नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा था। पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। ठीक है, टोटल इंडिया का लैंड है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन कवर करता है। पेनिनसुला, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या है? लैंड का वो हिस्सा जो तीन साइड से पानी से घिरा हो। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है और साउथ में इंडियन ओशन है। तो ये इंडिया का ये हिस्सा तीन साइड से वाटर से घिरा है, इसीलिए ये पेनिनसुला है। और प्लेट्यू रीजन का मतलब क्या होता है? प्लेट्यू रीजन एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड की तरह होता है, जिसको हम लोग टेबल शेप का भी बोल सकते हैं। ग्राउंड से ऊंचा होगा लेकिन माउंटेन की तरह कोनिकल नहीं होगा, कोनिकल टिप नहीं होगा, फ्लैट टिप होगा। ठीक है, और माउंटेन से थोड़े कम हाइट का होगा। तो ये प्लेट्यू का मतलब है। तो इंडिया का ये हिस्सा जो भी मैं रेड से शेड कर रहा हूँ, इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन बोलते हैं। ये वाला लास्ट दो लेक्चर्स में आपने देखा था कि ये मेरा नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक है, ये मेरा पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है। ये काफ़ी रिवर्स की वजह से बनता है, फर्टाइल है। ये मेरा हिमालयाज़ है। ठीक है, ये हिमालयाज़ है और जो अभी मैं यहाँ रेड से शेड कर रहा हूँ, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है। पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में डेक्कन प्लेट्यू एक उसका पार्ट है। डेक्कन प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन का हिस्सा है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक सेंट्रल हाईलैंड्स, सतपुरा के ऊपर पूरा अप टू सतपुरा रेंजेस। ठीक है, और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। तो बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि पूरा डेक्कन प्लेट्यू ही है। नहीं, डेक्कन प्लेट्यू ये जो सतपुरा रेंजेस है यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे का हिस्सा ये वाला डेक्कन प्लेट्यू है। ये सतपुरा के नीचे वाला रेंज, ठीक है, याद रखिएगा ये हिस्सा। और ये क्या है? सेंट्रल हाईलैंड्स। स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसकी एवरेज हाइट 600 से 900 मीटर है। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन की एवरेज हाइट 600 टू 900 मीटर है। ट्रायंगुलर शेप है। ट्रायंगुलर शेप कैसे है? ये देखिए ऐसे, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंजेस है। ये मेरा अरावली हो गया, ये दिल्ली तक एक्सटेंड करता है। ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स हो गया। स्क्रीन पे अपने ध्यान रखिए, फोकस कीजिए, सारा कुछ समझ में आएगा। ये ईस्टर्न घाट्स हो गया और वेस्ट में मेरा वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी के पास, ये याद रखिएगा। ये नीलगिरी माउंटेन रेंजेस है, यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसा है, ये अरावली हो गया, ये ऐसे वेस्टर्न घाट्स हो गया, ये ईस्टर्न घाट्स हो गया, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है। तो ये पूरा रीजन पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन हो गया। पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन को PPR से लिखूंगा अभी से। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन को PPR से लिखूंगा। और इसका शेप कैसा आ रहा है देखिए ध्यान से, ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स, ये अरावली, ये ईस्टर्न घाट्स और ईस्ट में ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, राजमहल हिल्स। ठीक है, यहाँ पे बंगाल, बांग्लादेश ऐसे, और यहाँ पे गारो खासी जयंतिया है। ये मेघालय नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, लेकिन गारो खासी जयंतिया भी पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन का एक्सटेंशन है। ध्यान से याद रखिएगा ये बात, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गारो खासी जयंतिया किसका एक्सटेंशन है, हिमालयाज का कि पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन का। तो गारो खासी जयंतिया इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, वो प्लेट्यू रीजन का ही एक्सटेंशन है। और इसको बोलते हैं गारो राजमहल गैप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? गारो राजमहल गैप, देखेंगे आगे डिटेल में। तो ये ट्रायंगुलर शेप का होता है और इसकी एवरेज हाइट 600 से 900 मीटर होती है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लैंडमास है, जिसका एरिया 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास भी है। ओल्डेस्ट है और लार्जेस्ट है। कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। जब गोंडवाना लैंड ब्रेक करके ड्रिफ्ट कर रहा था, उसी टाइम पे ये फॉर्म हुआ था। जब गोंडवाना लैंड
ब्रेक करके ड्रिफ्ट कर रहा था उस टाइम पे ये फॉर्म हुआ था, और ये क्या चीज़ से बना हुआ है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक। ये किससे बना हुआ है, ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक। कब बना था, जब गोंडवाना लैंड ब्रेक और ड्रिफ्ट कर रहा था, और इसमें बसाल्टिक एक्यूमुलेशन है, जो ब्लैक सॉइल वाला रीजन है, ठीक है, वो इसी के अंडर आता है बेसाल्टिक एक्यूमुलेशन की वजह से। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं इसके कुछ रीज़न समझेंगे और इसका क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया में वो देखेंगे। तो पहला रीज़न इसमें आता है सेंट्रल हाईलैंड्स में, दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। सतपुरा के नीचे डेक्कन प्लेट्यू है, ये जो रीज़न है ये वाला, ये किस में आता है, सेंट्रल हाईलैंड्स में, सतपुरा के ऊपर, नर्मदा वैली के ऊपर, ये सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स को फर्दर डिवाइड किया है छोटे छोटे प्लेट्यू रीजन्स में, जिसमें ईस्ट राजस्थान अपलैंड्स है। ईस्ट राजस्थान अपलैंड किसके हैं, ईस्ट ऑफ अरावली। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, अरावली रेंजेस कहाँ हैं, अरावली रेंजेस ये मेरा राजस्थान से दिल्ली तक एक्सटेंड करता है, ये अरावली के ईस्ट में है, ठीक है। वेस्ट में अरावली के थार डेजर्ट है, ईस्ट में ईस्ट राजस्थान अपलैंड्स है, और जिसको मारवाड़ प्लेट्यू भी बोलते हैं, मारवाड़ प्लेट्यू, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये बहुत हाई नहीं है इसका एलिवेशन, इसको हम लोग रोलिंग प्लेट्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्ट राजस्थान अपलैंड्स को रोलिंग प्लेट्यू। रोलिंग प्लेट्यू का मतलब है कि सरप्राइज नहीं है, ये जेंटल स्लोप है, जेंटल स्लोप, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ईस्ट राजस्थान अपलैंड्स, ये वाला जो मैंने अभी सेट किया, ईस्ट राजस्थान अपलैंड। फिर आएगा मध्य भारत पठार। मध्य भारत पठार ये मध्य प्रदेश का नॉर्दर्न टिप है, और ये चंबल रिवर बेसिन की वजह से बना हुआ है। ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ये यमुना रिवर है, मैप को ध्यान से देखिए, ये यमुना है, यहाँ पे चंबल है, ये चंबल वाला रीजन आता है मध्य भारत पठार में, ठीक है। इसमें बेसिकली सैंडस्टोन होता है, क्या होता है, सैंडस्टोन। तो ईस्ट राजस्थान अपलैंड्स, देन मध्य भारत पठार, मध्य भारत पठार, फिर आता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड यूपी एमपी, यूपी का कुछ रीजन और एमपी का कुछ रीजन, ये है बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड आ गया, बुंदेलखंड का क्या खासियत है, इट इज़ बाउंडेड बाय यमुना रिवर एंड विंध्या प्लेटू। ये मेरा विंध्यन रेंजेस है, और इधर यमुना रिवर है, ये देखिए, ये गंगा है, ये यमुना है, नीचे वाली रिवर यमुना है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये गंगा है, ये यमुना है। तो यमुना इसके नॉर्थ में है, और साउथ में इसके क्या है, विंध्या रेंजेस है बुंदेलखंड के, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यमुना नॉर्थ में और विंध्या रेंजेस साउथ में, ठीक है। तो ये रहा बुंदेलखंड का रीजन, ठीक है। ये इसका खासियत क्या है, ग्रेनाइट और नीस, ठीक है। ग्रेनाइट का आप यूज़ जानते हैं, बहुत सारे यूज़ है ग्रेनाइट का, तो ग्रेनाइट और नीश इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये रहा बुंदेलखंड रीजन। अब आते हैं मालवा प्लेट्यू। ये जो बन रहा है यहाँ पे, ये अरावली है, यहाँ पे देखिए ध्यान से इस जगह को, ये अरावली है, ये ईस्ट राजस्थान अपलैंड्स है, ये मध्य भारत पठार है, ठीक है, मध्य भारत पठार MBP ERU ईस्ट राजस्थान अपलैंड। उसके बाद मध्य भारत पठार के बाद ये बुंदेलखंड रीजन है, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड रीजन। नीचे में विंध्यास है साउथ में, ठीक है। ये जो ट्रायंगुलर शेप का एरिया बच गया, ये जो एरिया बच गया, ये है मालवा प्लेट्यू, ठीक है। MP में आता है, ठीक है, MP राजस्थान थोड़ा सा, ये है मालवा प्लेट्यू, ठीक है। तो मालवा प्लेट्यू की खासियत क्या है, ट्रायंगुलर शेप है, यहाँ पे देखिए ध्यान से ये फिगर, ट्रायंगुलर शेप। मालवा प्लेट्यू में दो तरह की ड्रेनेज सिस्टम है, एक अरेबियन सी में जाती है, एक बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है। तो ये है मालवा प्लेट्यू, ठीक है, और ये एग्जांपल है किसका, डाइसेक्टेड प्लेट्यू का, और इसमें आपको ब्लैक सॉइल का एरिया भी मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हुआ मालवा प्लेट्यू, ये रीजन मैप में देखिए ध्यान से, अभी जो बना रहा हूँ, जो मैंने ब्लैक से एकदम शेड किया है, यह है
मालवा प्लेट्यू, ये ट्राइंगुलर लैंड। ठीक है, और आपको अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा तो यहाँ जूम करके भी देख सकते हैं, ये ईस्ट राजस्थान अपलैंड, ये मध्य भारत पठार, ये बुंदेलखंड, और ये जो एरिया है ये मालवा प्लेटू। ठीक है, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देख सकते हैं इस फिगर को, अरावली, ईस्ट राजस्थान अपलैंड, मध्य भारत पठार, बुंदेलखंड, और विंध्या के ऊपर एक ट्राइंगुलर शेप का लैंड है जो तीनों से घिरा हुआ है, वो है मालवा प्लेट्यू। ठीक है, अब आते हैं बघेलखंड में। बघेलखंड यहाँ पे सतपुरा के बाद मेरे पास ये महादेव हिल्स है जो अभी मैंने रेड से बनाया है। महादेव हिल्स सतपुरा का एक्सटेंशन है, उसके बाद ये ऐसे मैकाल रेंज है, और बघेलखंड रीजन एमपी, एमपी ये बघेलखंड रीजन है, और ये ईस्ट ऑफ मैकाल रेंज है, ईस्ट ऑफ मैकाल रेंज है। आप इस मैप में भी देख सकते हैं मैकाल रेंज कहाँ पे है। ठीक है, मैकाल रेंज ये जो अभी मैं शेड कर रहा हूँ ये है मैकाल, मैकाल रेंज। इसके नॉर्थ में कैमूर हिल्स, और विंध्या गुजरात से बिहार तक एक्सटेंड करता है, सासाराम तक, रोहतास। ठीक है, विंध्यास सासाराम रोहतास तक एक्सटेंड करता है, गुजरात से है बिहार तक जाता है। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ डिवाइड बनाता है विंध्या रेंजेस, और विंध्या रेंजेस के साउथ में ही नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। ये नर्मदा वैली जो मैंने ब्लू से शेड किया मैप में, अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये मैंने नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर जो कि विंध्या के और सतपुरा के रिफ्ट वैली से फ़्लो करती है। ठीक है, और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और आपने अगर मेरा रिवर वाला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में है, उसको देखिए। तो ये नर्मदा वैली रिफ्ट वैली है, इसके नॉर्थ में विंध्या है, विंध्या के नॉर्थ में मालवा प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू के तीनों साइड, वेस्ट साइड में ईस्ट राजस्थान अपलैंड है, नॉर्थ में मध्य भारत पठार है, और नॉर्थ ईस्ट में बुंदेलखंड रीजन है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये विंध्या है, ये सतपुरा है, यहाँ पे महादेव हिल्स, महादेव हिल्स सतपुरा का एक्सटेंशन है, ये मैकाल रेंज है, मैकाल रेंज महादेव हिल्स के ईस्ट में है मैकाल रेंज, और ये बघेलखंड प्लेट्यू है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब और ईस्ट में आएंगे, ये मैंने जो येलो से शेड किया है ये देखिए, छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड, थोड़ा सा उड़ीसा। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ के लिए, काफ़ी फेवरेट टॉपिक होता है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में तीन प्लेट्यू रीजन है, साउथ में रांची प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू साउथ में है छोटा नागपुर के, ये इसका डिवीज़न बता रहा हूँ छोटा नागपुर प्लेट्यू का, रांची प्लेट्यू साउथ में है छोटा नागपुर प्लेट्यू के, और नॉर्थ में क्या है हज़ारीबाग प्लेट्यू, नॉर्थ में हज़ारीबाग प्लेट्यू, और इधर ये वाला पार्ट है ये राजमहल हिल्स है। ठीक है, राजमहल हिल्स। तो नॉर्थ में हज़ारीबाग प्लेट्यू, साउथ में रांची प्लेट्यू, और नॉर्थ ईस्ट में राजमहल हिल्स है, राजमहल हिल्स बिहार तक एक्सटेंड करता है, और ये बंगाल हो गया यहाँ, और ये बांग्लादेश, ये मेघालय प्लेट्यू है, यहीं पे गारो खासी जयंतिया हिल्स है जो इसका नाम ट्राइब के नाम पे पड़ा है, वहाँ की जनजाति समूह है गारो खासी जयंतिया, उसके नाम पे ये नाम पड़ा है। तो राजमहल गारो गैप या गारो राजमहल गैप को मालदा फॉल्ट भी बोलते हैं, और इसी के बीच से गंगा ब्रह्मपुत्रा जैसी नदियाँ बहती है, इसी गैप को फिल करती है ये गारो, गारो राजमहल गैप, और गारो खासी जयंतिया एक्सटेंशन है किसका, गारो खासी जयंतिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीपीआर, पीपीआर का मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, यह हिमालय का पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू में और एक क्या खास बात है कि इससे बहुत सारी रिवर्स हर डायरेक्शन में निकलती है, तो ये एग्जांपल है रेडियल ड्रेनेज का। रेडियल ड्रेनेज का मतलब एक ऊंची जगह है, इधर 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 बीच से ही, बीच वाली ऊंची जगह से चारों तरफ नदियां निकल रही है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू रेडियल ड्रेनेज का एग्जांपल है, जिसमें रिवर्स कौन कौन से आते हैं, दामोदर, स्वर्णरेखा जिसके किनारे जमशेदपुर सिटी बसा हुआ है,
ठीक है, स्वर्ण रेखा, नॉर्थ कोयल और साउथ कोयल, ये सब रिवर छोटा नागपुर प्लेट्यूज की रिवर है और सारी ड्रेन होती हैं बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अरावली से स्टार्ट हो रहा है और राजमहल गारो गैप तक ये सेंट्रल हाइलैंड्स है और किसके ऊपर है? विंध्यास के ऊपर। तो वेस्ट एक्सटेंशन अरावली, ईस्ट में राजमहल, ये वेस्ट अरावली, ये ईस्ट में राजमहल गारो गैप और साउथ में ये सतपुरा रेंज। ठीक है, अब आते हैं सतपुरा के नीचे। सतपुरा के नीचे क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू काफ़ी इजी है, याद आराम से हो जाएगा। डेक्कन प्लेट्यू में तीन ही प्लेट्यू रीजन है, एक महाराष्ट्र प्लेट्यू, दूसरा कर्नाटका प्लेट्यू, तीसरा तेलंगाना प्लेट्यू। ठीक है, महाराष्ट्र प्लेट्यू किस लिए फेमस है? ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है। महाराष्ट्र प्लेट्यू किसके लिए फेमस है? ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है, क्योंकि बसाल्टिक एक्यूमुलेशन हुआ था इधर। इधर क्या हुआ था? बसाल्टिक एक्यूमुलेशन। फिर से बता दूं, डेक्कन प्लेट्यू साउथ ऑफ किसके? सतपुरा। ठीक है, सतपुरा यहाँ पे है। ठीक है, ये इसके नीचे जितना भी रीजन है, ये रीजन जो मैंने ब्लैक से बनाया है नीलगिरी तक, क्योंकि नीलगिरी में ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिल जाते हैं। तो सतपुरा के साउथ वेस्टर्न लिमिट क्या है? वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न लिमिट ईस्टर्न घाट्स, और साउथ में ये नीलगिरी हिल्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर। ठीक है, तो ये बसाल्टिक एक्यूमुलेशन की वजह से महाराष्ट्र प्लेट्यू ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है, और ब्लैक सॉइल से क्या होता है? कॉल्टन कल्टिवेशन होता है। तो ये जो रीज़न है वो महाराष्ट्र प्लेट्यू में आ गया। अब आते हैं कर्नाटका प्लेट्यू में। कर्नाटका प्लेट्यू को अगर हम बांटे रफली तो दो भाग में बांटा गया है। ईस्ट वाले को मैदान बोला गया है। मैदान, मैदान रोलिंग प्लेन का एग्जाम्पल है। अभी मैंने बताया रोलिंग प्लेन क्या होता है? जेंटल स्लोप। अचानक हाइट नहीं बढ़ेगी, जेंटल स्लोप होगी। आप कभी मैदानी इलाके में देखोगे ऊंचा नीचा हो रहा है, उसी को रोलिंग प्लेट बोलेंगे। तो कर्नाटका प्लेट्यू में ईस्ट वाले पोर्शन को मैदान बोलते हैं, ईस्ट वाले पोर्शन को मैदान बोलते हैं और वेस्ट वाले पोर्शन को मलनाड बोलते हैं। ठीक है, मलनाड क्या है? हिली रीजन है, हिली और डाइसेक्टेड प्लेट्यू। ठीक है, डाइसेक्टेड प्लेट्यू क्या होता है? ऐसा प्लेट्यू जो कि बहुत ज़्यादा इरोड हो गया होगा, उसकी वजह से अचानक हाइट बढ़ती है, नहीं तो जेंटल हाइट बढ़ती है। ये इरोड हो के बहुत शार्प एज बन गया, इसका बहुत शार्प एज बन गया। ध्यान रखिएगा डाइसेक्टेड प्लेटू क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तेलंगाना प्लेटू पे। ये आखिरी है पेनिनसुलर प्लेटू रीजन में। तेलंगाना प्लेटू को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर के नॉर्थ में तेलंगाना है, ब्लैक से लिख देता हूँ, कृष्णा रिवर के नॉर्थ में तेलंगाना है और साउथ में रायलसीमा है। ठीक है, नॉर्थ में क्या है? तेलंगाना है और साउथ में रायलसीमा है। इसमें बहुत सारे माउंटेन रेंज भी आते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में, जैसे अरावली। अरावली ये दिल्ली तक एक्सटेंड करता है, राजस्थान में कहीं स्टार्ट होके। ठीक है, ये मैप में देखिए ध्यान से, ये अरावली रेंजेस है। ठीक है, अरावली रेंजेस का हाईएस्ट पीक गुरु शिखर पीक, अरावली रेंजेस का हाईएस्ट पीक गुरु शिखर पीक, ये विंध्या रेंजेस है, ये सतपुरा है। सतपुरा के साउथ में डेक्कन प्लेट्यू, वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी पीक, अनाईमुड़ी अपने स्क्रीन के नीचे देखिए, अनाईमुड़ी पीक, ये अन्नामलाई हिल्स में आता है। अनाईमुड़ी पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ होल पेनिनसुलर रीजन, और वेस्टर्न घाट्स का भी ये हाईएस्ट है। ठीक है, और ईस्ट में क्या है? ईस्टर्न घाट्स है। ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक, ये थोड़ा डाउटफुल है, बहुत जगह महेंद्रगिरी भी लिखा हुआ है, लेकिन अब बहुत जगह जिंदगाड़ा पीक लिखा हुआ है, जो कि आंध्रा का है। महेंद्रगिरी बहुत बुक में लिखा हुआ है, जो उड़ीसा में आता है, महेंद्र गिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी हाइट 1500। ठीक है, महेंद्रगिरी की हाइट कितनी है? 1500। और जिंदगाड़ा अब बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है, जिसकी हाइट है 1690 मीटर, 1690 मीटर। ये ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अब आते हैं पेनिनसुलर प्लेटू रीजन का सिग्निफिकेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? हम लोग सबको पता है रिच इन मिनरल डिपॉजिट, काफ़ी झारखंड रीजन, उड़ीसा रीजन, कोल माइंस, आयरन माइंस, कर्नाटका में कोल माइंस, कर्नाटका में गोल्ड फील्ड्स।
तो ये मिनरल डिपॉजिट्स के लिए काफ़ी फेमस है। दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से, एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो कॉटन कल्टीवेशन सेंटर भी बहुत सारे इधर मिलेंगे। और तीसरा है कि रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्स और वाइल्ड लाइफ, ये वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया, साउथ मोस्ट मानसून इधर से आ रही है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इधर से साउथ वेस्ट मानसून आती है, और वेस्टर्न घाट्स की हाइट होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी फ्लोरा और फौना मिलती है, काफ़ी वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन का। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई डाउट भी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे पॉजिटिव।